गंगाराम, ये तो कमाल हो गया है। ये देखिए आपकी खबर छपी है, आपकी शूटिंग की खबर छपी है और इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपने शूटिंग से सभी को प्रभावित कर दिया है। हर किसी को उसका मनचाहा काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सफल हो जाती है भैया। ठीक कहती हो भाजी। देखना, एक दिन तुम गंगापुर का नाम जरूर रोशन करोगे। फुलवा काका, हमको भी लगता है कि अब हम फिल्म का एक्टर बन ही जाएंगे। अरे बनी का जाओगे, बनी गए भैया। किस तरह की एक्टिंग करते हैं आप? सब तरह की। फिर भी आपकी अपनी कोई पसंद तो होगी। कलाकार तो पानी की तरह होता है जी, जिस तरह के बर्तन में डालो वैसे ही बन जाता है। और पसंद तो बर्तन में डालने वाले की होती है, पानी की थोड़ी होती है। डायरेक्टर सिंगे सॉन्ग म्यूजिक कंपनी। दोस्त, इसने मिलने को बोला। क्या ये भी फिल्म बना रहे हैं? अरे नहीं, वो हमसे गाना गवाने को कह रहा था। क्या गुरुजी, एक नया सितारा पैदा हो गया है। गंगाराम हमारा नाम रोशन कर दिया। ए बिचकुंडवा, दुकान में जितना मिठाई है सबको बांट दे। साधना जी, हमको लगता है कि हमारे संग एक ठो मसाल है और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे इसका रोशनी बढ़ते जाएगा और यही रोशनी हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। अरे कुंती, कहां से आ रही हो? पूजा करने। आजकल नौटंकी के रिहर्सल में नहीं आती हो तुम? अब मुझे नौटंकी नहीं करनी। लेकिन क्यों? क्या कुबेर का खजाना हाथ आ गया है? मैं गंगा जी के लिए नौटंकी करती थी, अब गंगा जी नहीं तो नौटंकी नहीं। ये अच्छी नौटंकी है। गंगा क्या हमसे बड़का कलाकार है? कलाकार तो हम है। हम देखना, सुल्ताना डाकू का पाठ हम ऐसा करेंगे कि लोग गंगा को भी भूल जाएंगे। हाँ, और नौटंकी का बादशाह का ताज अब भाई जी के सर पे ही होगा। अगर तुम गंगा जी से बड़के कलाकार हो तो उनके यहाँ रहते हुए ही काहे नौटंकी के बादशाह नहीं बन गए? बहुत पिटर पिटर बोल रही है। गंगा को फिल्म एक छोटा सा रोल क्या मिल गया, तेरे तो तेवर ही बदल गए। और वो भी का वो अनपढ़ गवार का काम। हाँ, अरे अनपढ़ को गवार का काम नहीं मिलेगा तो क्या हीरो का काम मिलेगा? काम काम होता है। इसी गवार के छोटे से रोल की एक्टिंग ने गंगा जी को मशहूर बना दिया है। अखबार में उनके अभिनय की तारीफ भी छपी है। अब देखना, बहुत जल्दी वो हीरो भी बन जाएंगे। और सुनो, गंगा जी अब अनपढ़ नहीं है, पढ़ना लिखना सीख गए हैं। अरे तो पढ़कर कौन सा बैरिस्टर वकील बन जाएगा? अरे काका का ही तो पढ़ा है ना, उससे ज्यादा तो हम पढ़े यार। उससे भी ज्यादा, भाई जी तो आठवीं में 8 बार फेल हुए। चुप बक, तू मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे बदनाम कर रहा है? तुम्हारे भाई जी हमेशा हर चीज आसानी से पाना चाहते हैं बिना मेहनत किए, इसीलिए वो हमेशा फेल होते हैं और होते रहेंगे। ये कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते, इसीलिए इनका भी कभी अच्छा नहीं होता। हमारे गंगा जी सबका भला चाहते हैं, इसीलिए उनका भला हुआ। और देखना, एक दिन वो पढ़ाई में भी अव्वल नंबर से पास होंगे। अरे लानत है ऐसी पढ़ाई पर जिसके लिए किसी औरत का सहारा लेना पड़े। हाँ? पूरे गांव का नाम डुबो दिया। हाँ? हाँ, हमेशा उस औरत का नाम जपता रहता है। साधना जी ने ये किया, साधना जी ने वो किया, जब देखो तब उसी का नाम लेता रहता है। अरे हाँ, जब कोई किसी का नाम तभी लेता है जब उसे किसी प्यार हो जाए। और अब देखना, गंगा किसी दिन लुगाई बना के ले आएगा साधना को इस गाँव में। सच कहते हो भाई, पसंद अपनी अपनी।
लेकिन इस बेचारी कुंती का क्या होगा? अरे होगा क्या, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचेगी, जैसे ही ऐठन ढीली पड़ेगी बस तब अपनी औकात समझ में आएगी इसको। प्रभु मेरा गंगा ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम उसकी मदद करना प्रभु, उसे साहस और बल देना जिससे वो कभी कभी गलत रास्ते पर ना चले। उसका जीवन ही अब मेरा जीवन है प्रभु। लीजिए चाय लीजिए। हेलो सुशील, मेरे केबिन में आ जाना। हाँ और सुनो, रवि, टोनी, रीना और सबको साथ में ले आना, इमीडिएट, अर्जेंट। लीजिए लीजिए चाय लीजिए। आओ आओ आओ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए आप बैठिए। इनसे मिलिए, मिस्टर गंगाराम, जीनियस। नमस्ते। मैंने आपसे बात की थी ना फोक एल्बम के बारे में। हियर इज द मैन। और गंगाराम, ये लोग हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी राय लेनी हो तो इनके बगैर नहीं लेता। तो ये लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में? सुने बगैर कुछ कहेंगे? तो हम सुना देते हैं, लेकिन हमको पसंद पड़ेगा कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हम सुना देते हैं। सुनाओ। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। जब से परदेश गए याद भी न आई, जब से परदेश गए याद भी न आई, कैसा जमाना आया पिया हर जाई, कैसा जमाना आया पिया हर जाई, जरा मेरा उनको सलाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। सुशील, अकाउंटेंट से कह के इनके नाम से 5,000 का चेक निकालू। क्या नाम लिखें? अरे रुपया की क्या जरूरत थी अभी? नहीं नहीं, ये तो हमारा नियम है, और लक्ष्मी को ना नहीं कहते। तो माई के नाम से लिख दीजिए, रामकली। नहीं नहीं भाई, चेक तो आप ही के नाम से निकलेगा, आप माँ को भेज दीजिए। क्या लिखें नाम? तो फिर गंगाराम लिख दीजिए। अच्छा। माता, ये तुमने कैसा चमत्कार कर दिया? गंगाराम, ये चमत्कार नहीं है, आपकी प्रतिभा को लोगों ने पहचाना है। दीदी, इस पैसे से सबसे पहले बजरंगबली को 1.25 लड्डू चढ़ाऊंगा। 1.25 लड्डू के पैसे मैं दे दूंगी। अब पैसे बचाना सीखिए और बैंक में एक खाता खुलवा लीजिए, ये सब इंतजाम मैं कर दूंगी। दीदी, कोई फुलवा साहब आया? फुलवा साहब? अरे तो भेजो उनको, भेजो भेजो। अरे गंगाराम, अच्छा हुआ तुम घर ही पे मिल गए। कहे का हुआ फुलवा काका? सिर्फ बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मोहन बाबू तो के बुलाए हैं, एक नई फिल्म बना रहे हैं, लगता है उसमें भी तोके ही लेंगे। अरे वाह दोस्त, आज तो डबल धक्का लग गया। भैया सब सरस्वती माता की कृपा है। लो दीदी, संभालो आप। गंगाराम जल्दी चलो, अभी चलना है। चलो चलो, चलते हैं। चलो चलो चलो। दीदी, लगता है गंगाराम की तकदीर की खिड़की खुल गई। खिड़की ऐसे नहीं खुलती प्यारे, खोलने पर ही खुलती है। ये रहे शगुन के तौर पर 10,000 रुपए। वो यहाँ कहीं नजदीक में हमको कोई जगह मिल जाता रहने को तो बड़ा अच्छा हो जाता। कहे कि हम चाहते हैं कि राम मिलन भैया, भौजी, प्यारे को भी हम अपने साथ रख लेते। असल में हम भी यही चाहते हैं कि हमारे फिल्म का हीरो अपने घर में रहे। हीरो? हाँ। इस कहानी में तुम्हारे जैसे हीरो की जरूरत थी, तुम मिल गए, शुरू कर दिया। दरअसल ये कहानी अलग किस्म की है, जाहिर है अलग किस्म की कहानी के लिए अलग किस्म का हीरो। हमको तो सब कुछ सपना ही लग रहा है। ये सपना नहीं, सच है, हकीकत है। जिसमें प्रतिभा होती है उसे मौका मिलना ही चाहिए। आप लोग तो एकदम अलग ही किस्म के आदमी हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे अखबार वाले आने वाले हैं, वहाँ तुम्हारे बारे में न्यूज दी जाएगी, और शाम को मुहूर्त भी है। शनिवार को तो हमारा परीक्षा है। परीक्षा? हाँ, वो हम पाठशाला जाते हैं ना पढ़ने के लिए। पाठशाला? रात्रि पाठशाला में। हाँ। अरे छोड़ो,
ये मौका उस पाठशाला से ज्यादा अनमोल है। ये हम नहीं मानेंगे मोहन जी। जब तक हम अनपढ़ थे हम पढ़ाई का मोल नहीं समझते थे, अब हम समझ गए हैं, इसलिए हमको पढ़ाई से ज्यादा अनमोल कुछ नहीं लगता। अरे इस सुनहरे मौके का कोई मोल नहीं है? वो काहे नहीं है, लेकिन कहा है कि हम ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं गंगाराम जी। साहब आपके सर पर मुकुट रखने के लिए बुलाए हैं और आप कह रहे हैं कि आप नंगे सर घूमेंगे? अरे साहब ने सर पर मुकुट तो रख दिया, लेकिन मुकुट संभालने के लिए सर में बुद्धि भी तो चाहिए है? हम तो पाठशाला जाएंगे। मोहन जी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम एक साथ हो जाए, कुछ करिए ना। ऐसा ही होगा गंगाराम, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुहूर्त एक ही वक्त रख लेंगे, क्यों फुलवा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगाराम अपनी कमी को स्वीकार करना हिम्मत की बात है। इस कमी को दूर करने का जो तुमने संकल्प लिया है हमारे लिए खुशी की बात। तुम्हारी इस कोशिश में हम भी साथ। धन्यवाद जी, चलिए यश जी के यहाँ जाना है। हाँ चलिए, नमस्ते। नमस्ते। मोहनलाल फिल्म्स, मोहरत शॉट, गंगा, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए। खुदा जानता है इस वक्त आपके दिल में वही दुआ होनी चाहिए जो बेटी कुर्बानी वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल में थी। अगर मुंह देखी कि मोहब्बत रास्ते रुकती है तो अपनी आंखों में पट्टी बांध लिए ताकि कुर्बानी आसान हो जाए। हाँ बच्चों के लिए बच्चे ऐसे लिखते हैं ना। माननीय मालवीय जी, अजीज प्रेम जी, साधना जी और उपस्थित सज्जनों, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, इंसान जिंदगी भर सीखते रहता है। शुरू के स्टेशन में यदि आप गाड़ियों पर सवार नहीं हो सके तो होशियारी इसी में है कि आप अगले किसी भी स्टेशन में गाड़ी पकड़ लीजिए। मकसद है आगे बढ़ना। आपने गाड़ी पकड़ी और बढ़कर इस मंजिल तक पहुंच गए। अब आप सभी लोग शिक्षित कहे जाएंगे। आज आपकी परीक्षा का नतीजा सुनाया जाएगा और खुशी की बात है जिनकी प्रेरणा से कई जगह शिक्षा के दीप जल रहे हैं, मैं उन साधना जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। साधना जी। श्री अजीज प्रेम जी, श्री मालवीय जी और श्री आनंद भाव, बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आखिर वो दिन आ गया है जब शिक्षा की महत्व को प्रधानता दी जा रही है और आप सब साक्षर बन गए हैं, और मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और याद रखिए, जिंदगी में शिक्षा से, ज्ञान से जीना ही जीना है। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस केंद्र से कोई भी फेल नहीं हुआ, यानी कि सबके सब विद्यार्थी पास कर गए हैं। मैं अब उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं। हमारे केंद्र की ओर से इन लोगों को प्रमाण पत्र के साथ साथ पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सभी परीक्षार्थियों में जो सबसे पहले नंबर पर आए हैं वो है श्री गंगाराम।
अरे गंगा भाई जरा रुकिए। गंगाराम इससे तुम ही बात करो, हम चलते हैं। चलो दीदी चलो, ले से ले जाओ। बधाई मना भाई। थैंक यू। बधाई के तो असली हकदार आप हैं। क्यों? और वो भी डबल हकदार। कैसे भाई? एक तो स्कूल में फर्स्ट क्लास आए हो हाँ। और दूसरा ये जो मैं पास हुआ हूँ आपकी वजह से, ना आप मेरा एडमिशन कराते ना मैं पढ़ता और ना पास होता, हुआ ना डबल बधाई। ये तो सब ऊपर वाली कृपा है और तुम्हारी लगन और मेहनत। ये आपकी अच्छाई है गंगा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया है। मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई लिखाई आदमी पर इस कदर असर डालती है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप इतने फेमस एक्टर हो गए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी हैं। अगर आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहकर मुझे एक अच्छा रोल दिलवा देंगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? कि अब से तुम मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाया करोगे, इसी में अपनापन है। मगर एक शर्त है। क्या? तुम भी मुझे तुम कहकर पुकारा करोगे, यही दोस्ती का तकाजा है। ठीक है ठीक है, चलो। प्यारे आज कौन दिन है रे? बाबूजी दाढ़ी बना रहे हैं ना, इसका मतलब सोमवार है। अरे तो आज ही ना गंगा भैया का टीवी पर प्रोग्राम है। गंगाराम का टीवी प्रोग्राम? हाँ बाबूजी, आज शाम को 6 बजे डीडी वन पर है। वो टीवी में का प्रोग्राम देगा? प्यारे बताओ अपने बाबूजी को। गंगाराम फिल्मों में हीरो बन गए हैं ना, उनका इंटरव्यू आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में लोग देखेंगे। बिशनपुर और गंगापुर में भी? अरे बिशनपुर और गंगापुर हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। आज हमारे घर में होता तो हमारा भी नाम होता। गए थे कहे कि वापस चलो, पर आया नहीं। वाह रे, जिधर देखी खीर उधर के हो गए पीर। अब गंगा भैया का नाम हो गया है ना, ओके वास्ते मन कैसे छटपटार रहा है देखे। वो बात नहीं है, आखिर है तो अपने गांव का ही ना, नातेदारी थोड़ी टूट जाएगी। तो चले जाइएगा ना शाम को साधना के घर। वो कल गंगा भैया बता रहे थे हमरा प्रोग्राम टीवी पर देखना है, तो खाना भी वही होगा। आज शाम को खाना नहीं पकने वाला घर में। हाँ बाबूजी, अगर कोई ज्योतिषी आपको ये बताते कि गंगाराम बहुत नाम करने वाले हैं, तब तो आप उसे घर से नहीं निकालते ना। अरे चुप, ये हीरो बन के कहाँ जा रहा है, है? अपने हीरो के घर, आज शाम की तैयारी करनी है। का हो? कह रही थी सांझ को खाना नहीं बनेगा तो चावल का ही बिन रही हो। खीर बना के लेके जाऊंगी साधना के घर। हाँ अब तो आप काफी सही लिखने लगे हैं, कोई भी काम लगातार करते रहने से अभ्यास होता है। अच्छा पढ़कर सुनाइए तो। फल मीठा होता है, राइट? राइट। जब भी मौका मिले पढ़ने का अभ्यास करते रहिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। साधना जी, जो सच है उसको बोलने में क्या दिक्कत है? सचमुच हम जड़मती थे, आपने हमको सुजान बना दिया। गांव में चिट्ठी भेजी है ना, आज आप टीवी पे आ रहे हैं? हाँ विस्तार में प्यारे से लिखवा के पोस्ट ऑफिस में डाल दिए हैं। अब भी दूसरों से? हाँ। आगे से आप अपने हाथ से चिट्ठी लिखकर भेजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। लिखा है दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम आता है परिचय, उसमें हमको देखिएगा। कितना बज गया गुरुजी? अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब तुम लोग तो ऐसे ही हड़बड़ा रहे हैं, अभी 10 मिनट बाकी है। गंगा का फोटो आएगा क्या? हाँ, जैसे सिनेमा के पर्दे पर आता है ना, वैसा टीवी के पर्दे पर भी आएगा। अरे हम काका मालूम, हम सिनेमा थोड़े ही देखे रहे। टीवी में आएगा क्या ये? आएगा तभी ना, इतना लोग आँख गड़ाए हैं। तुम्हें टीवी स्टेशन ने खबर दिया है, देख लेना कुछ नहीं आएगा। देख यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ए पंडित जी, ये लगा तो दूरदर्शन ही है ना। गुरुजी अपने टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन ही आता है। 6 नहीं बजा कब? बज गया। तब आता क्यों नहीं? अरे टीवी स्टेशन पर 6 बजेगा तब ना। तो इसमें तो दूरदर्शन ही लिखा है।
गुरुजी, हमारी घड़ी में 6:10 हो गया, अब क्या आएगा? अगर जब ये बात करते हो तुम्हारी घड़ी आगे होगी। क्या कहते हम? नमस्कार, परिचय कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम किसी न किसी खास हस्ती से आपका परिचय कराते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे और आपके बीच से उठकर अपनी प्रतिभा, लगन और संघर्ष से असंभव को संभव बनाते हैं और शोहरत के मकाम पर पहुंच जाते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आज मैं आपका परिचय ऐसे हस्ती से करना चाहता हूं जो बिहार के एक छोटे गांव से मुंबई आए हैं। अभिनय और गायकी दोनों में अपना नाम कमाया है। यह शख्स है गंगापुर के गंगाराम जी। नमस्ते माई, देखिए। गंगाराम जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप फिल्मों में कैसे आए? वाह, क्या बात है। ऐसा है जी कि हम गांव नौटंकी किया करते थे, तो वहाँ गांव वालों ने हमारा हौसला बढ़ाया, कहा कि आपको तो फिल्म में कोशिश करना चाहिए, गो टू मुंबई। तो बस हम मुंबई चले आए और यहाँ पर हमको एक प्रोड्यूसर साहब मिल गए, मोहन कुमार जी। वो कलाकार के बहुत कदर करते हैं, उन्होंने हमको काम दे दिया और बस हम काम करने लगे। और आपने अपने अभिनय से पहले ही शॉट में सबको चौंका दिया है ना? बस सरस्वती माता की कृपा है। आपने अपने गांव में इतना अच्छा अभिनय कैसे सीख लिया? ऐसा है कि अभिनय जिंदगी से सीखते हैं, गांव से और शहर से नहीं। और अगर आपको गुरु बहुत अच्छा मिल जाए तो फिर तो वो तो मांझ देता है, और हमको ऐसे ही गुरु मिल गए, उन्होंने हम थरकम मांझ दिया। क्या आपको सही गुरु मिले? हाँ जी, मिल गए। हमारे ही गांव के हैं जो हमारे पहले गुरु हैं, वो हैं महादेव प्रसाद विश्वकर्मा, हम उनको नौटंकी वाले गुरु जी कहते हैं। उन्होंने हमको अभिनय की शिक्षा दी और मुंबई आने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया। इतने कम समय में अपने प्रतिभा के बल पर आप एक फिल्म के हीरो बनकर आ रहे हैं, इस उपलब्धि की खुशी आप किन किन गांव वालों के साथ बांटना चाहेंगे? किन के साथ बांटना चाहूंगा? मेरे गुरुजी बद्री, विशेषर, मेरी माई और कुंती, और पूरा गांव, और अर्जुन। एक बड़ा ही नाजुक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सच है कि जब आप मुंबई आए तो आप लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे? हाँ जी, बिल्कुल सच है। हम तो एकदम अंगूठा छाप थे, पढ़ने लिखने कभी नहीं गए, ना हमने कभी इसकी कोई अहमियत समझी। हम गांव से बाहर कभी नहीं गए, नौटंकी की पूरी किताब हम सुन के ही याद कर लेते थे। लेकिन यहाँ हमको मुंबई में एक हमारे द्वितीय गुरु जी मिल गए और उन्होंने हमको विद्या का महत्व समझाया, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया। अब विद्या का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, वो हमको अब समझ आया है। ये मुंबई वाले गुरु जी कौन है? मुंबई वाले गुरु जी वो है हमारी श्री साधना जी, टीचर। वाकई आपने बहुत कम समय में कई मोर्चों पर कामयाबी हासिल कर ली है। हमने ऐसा भी सुना है कि अपने एक लोक संगीत के एल्बम के लिए अपने गायकी का हुनर भी दिखाया है। जी हाँ, कोशिश तो की है। बहुत बहुत बधाई हो गंगाराम जी। गंगाराम जी, आप आपके हर फन में आगे बढ़ते रहें, आप बड़ा बड़ा काम करते रहें, आपका नाम हो। अंत में हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, हौसला रखिए, और हौसला रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है विद्या। अगर आपके पास विद्या है, आप पढ़े लिखे हैं, तो जिंदगी का हर सपना आपका पूरा होगा ही। परिचय में आज हमारा परिचय हुआ गंगापुर के अभिनेता और गायक गंगाराम जी से। उनका आखिरी संदेश भी आपने सुना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये पता चला होगा कि जिंदगी में विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो उसको मंजिल तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अरे जियो भैया, जियो, वाह वाह। ए,
मेरे गंगा जी, आज महीनों बाद टीवी पर तुम्हें देखकर तुमसे मिलने का जी चाहने लगा। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कब आ रहे हो? देखो, देर मत करना। तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लगता। तुम्हारी तरक्की देखकर आज मेरी आंखें भर आईं। और तुम लिखने पढ़ने लग गए हो, ये जानकर मन खुशी से झूम उठा। लेकिन हर चिट्ठी में साधना साधना, जब देखो साधना के नाम की माला क्यों जपते रहते हो, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। आखिर ये साधना है कौन? हाँ देखो, अगर शहर से साधना नाम के किसी सौतन को उठाकर लाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। हाँ तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, समझे? अरे कुंती माई, ये गंगा की फोटो से क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं माई, मैं तो बस यूं ही। तुम कब आई? मैंने सब सुन लिया है, तू घबरा मत, गंगा की शादी मैं तुझसे ही करूंगी। आने तो दे उसे, अब की बार उसके लगाम तेरे हाथों में देके ही मुझे चैन मिलेगा। माई तुम कितनी अच्छी हो। माई तुम्हारी अम्मा कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? काम से बाहर गई है। क्यों, कोई काम था क्या? अभी तो मुझे तुझसे ही काम था। तू घर चल, गंगा को चिट्ठी लिखवानी है। क्यों, काम पसंद आया? अरे रुक, मैं भी आ रही हूँ। पगली कहीं की। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने बोते